गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कल हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल और वर्टिकल ऑपोजिट एंगल के बहुत सारे सम किए, यानी कि लगभग हमारे असाइनमेंट में से हम लोगों ने 24 नंबर तक सम किए थे, बराबर है। अब आए हम लोग 25 नंबर के अंदर। चलो 25 नंबर से स्टार्ट करें। कबड्डी इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ एंगल एबीसी। स्टूडेंट एक काम करो, एक एंगल एबीसी बनाओ, फिर मैं सिखाता हूं इंटीरियर यानी पॉइंट कहां पर लेना है आप लोगों को। कभी एक एंगल एबीसी बनाओ, वो एंगल के इंटीरियर में कौन सा पॉइंट है, डे पॉइंट। चलो हम लोग एक एंगल बनाते हैं, ये हमारा एंगल एबीसी, इसके इंटीरियर में कौन सा पॉइंट है, डे। यानी कि देखो यहां पर एक डी पॉइंट है, इसका इंटीरियर पोर्शन है और इसको जोड़ भी देंगे, यानी कि यहां पर एक डे पॉइंट बराबर है इंटीरियर, यानी ये एंगल का ये दो पोर्शन के बिटवीन में कोई भी पॉइंट लो वो इंटीरियर में बनेगा, यानी कि डी इज इन द इंटीरियर। जब भी इंटीरियर आए वो पॉइंट को ये वर्टेक्स के साथ में आपको ज्वाइन कर देना है। चलो दो एंगल बन गए, अब आगे बढ़ो। इफ एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 30, देखो ए बी डी ये वाला एंगल कितने का है भाई, 30 का है। और दूसरा क्या है, एंगल सी बी डी, सी बी डी इज इक्वल टू कितना है स्टूडेंट, 40। तो फाइव क्या करना है, देन फाइव एंगल ए बी सी, पूरा एंगल फाइव कर रहा है स्टूडेंट। ये दोनों एंगल जो आपके पास है मेजरमेंट है, तो भाई ए बी डी और दूसरा डी बी सी, ये दोनों एडजस्टेड एंगल। कौन सा एंगल है स्टूडेंट, एडजस्टेड, यानी कि यहां पर एक फॉर्मूला बनेगा स्टूडेंट, तो भाई ये दोनों एंगल का प्लस करो तो ये पूरा एंगल मिलता है। मीन्स जब भी ऐसे टाइप की फिगर बने, एडजस्टेड एंगल हो, इंटीरियर पॉइंट हो, यानी कि बाइसेक्टर नाम का वर्ड आता न हो, बाइसेक्टर नाम का वर्ड आता न होना चाहिए, बराबर है। तो यहां पर क्या होगा स्टूडेंट, एक फॉर्मूला दिमाग में फिट करेंगे, तो भाई अपना मेन एंगल कौन सा, ए बी सी, यहां पर जितनी भी एंगल बनेंगे वो एंगल का वो क्या होगा, प्लस होगा। फॉर्मूला एक ही पकड़कर चलेंगे, तो भाई एंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या बनेगा स्टूडेंट, एंगल ए बी डी ऊपर वाला और नीचे वाला प्लस एंगल डी बी सी, ये दोनों का प्लस करो तो आपको क्या मिलेगा, ए बी सी। तो चलो वो फॉर्मूला रखते हैं, तो भाई एंगल ए बी सी इज इक्वल, इसके दो टुकड़े, एक एंगल है कौन सा ए बी डी और प्लस दूसरा एंगल कौन सा डी बी सी। चलो दोनों का प्लस करते हैं, दोनों एंगल हमारे पास है 30 + 40 इज इक्वल टू कितना आंसर आ गया स्टूडेंट, 7, ये आपका आंसर हो गया। बोलो कर पाओगे, ये एक मार्क में भी आ सकते हैं, दो मार्क में भी पेपर के अंदर आ सकते हैं, बट फॉर्मूला कहां से बनाएंगे, मेन एंगल कौन सा एबीसी इज इक्वल टू, इसके दो टुकड़े बनते, एक बनता है एबीडी एंगल, दूसरा डीबीसी एंगल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाए, चलो हो गया हमारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, पढ़ो तो 26 नंबर, एंगल एबीडी एंड एंगल सीबीडी आर एडजस्टेड एंगल। जब एडजस्टेड यानी कि ऐसी फिगर बनेगी एबीडी सीबीडी, ये दोनों एडजस्टेड एंगल बन गए एडजस्टेड एंगल। इफ एंगल एबीसी इज इक्वल टू 85, यहां पर मेजरमेंट लिखते हैं एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 85, मीन्स देखो स्टूडेंट पूरा एंगल ए बी सी कितने का है 85 का, एंड एंगल सी बी डी, एंगल सी बी डी
इज इक्वल टू 40। देखो ये सीबीडी के नीचे वाला एंगल कितने का है भाई 40। तो आपको क्या फाइंड करना है, हाइट एंगल एबीडी यानी कि ऊपर वाला एंगल फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो स्टूडेंट अभी मैंने आपको सिखाया कि भाई ओरिजिनल एंगल का फॉर्मूला रखेंगे। चलो यहाँ पर हमारे पास ये फॉर्मूला बनेगा कि भाई एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी। देखो डी बी सी लिखो या सी बी डी लिखो कोई फर्क पड़ता नहीं, वो आप लोग फाइव स्टैंडर्ड में सीख चुके हो। कभी ये एंगल के एंगल को डी बी सी लिखो या सी बी डी लिखो, एंगल तो एक ही बनेगा। चलो अब इनमें जितने मेजरमेंट है वो रखते हैं। चलो एबीसी कितने का है भाई 85 इज इक्वल टू एंगल एबीडी प्लस, चलो बीबीसी कितने का है भाई 40। चलो एक काम करें 40 को उठाकर इधर लेकर आए तो 85 माइनस 40 इज इक्वल टू एंगल एबीडी, ये दोनों का माइनस कर लो, देयरफॉर एंगल एबीडी इज इक्वल टू कितना है भाई 45। आ गया आंसर। एडजस्ट एंगल में खास ध्यान क्या रखना है, मेन एंगल इज इक्वल टू जितने एंगल बने उनका प्लस लेना पड़े। क्लियर, चलो हो गया। नेक्स्ट हमें जाए चलो इसका नेक्स्ट हम देखो कौन सा है भाई, बीडी इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल एबीसी। बाइसेक्टर वाला सम है स्टूडेंट, तो भाई बीडी इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल एबीसी फिगर कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप बनाओगे एंगल एबीसी, बनाओ चलो एंगल ए बी सी। चलो बन गया, उसका बाइसेक्टर कौन सा है बीडी, तो क्या करोगे स्टूडेंट यहां से एक रे बनाओगे रे बीडी। चलो बना लिया, ये रे बीडी को क्या बोलते हैं बाइसेक्टर। और स्टूडेंट इतना ध्यान रखो बाइसेक्टर का मतलब क्या होगा, ये दोनों एंगल इक्वल मेजर के कैसे होंगे, कभी ये जो एंगल बने आता एक बना एबीडी नीचे बना डीबीसी दोनों इक्वल मेजर के होंगे। चलो आपके पास क्या है भाई, ई एंगल डीबीसी इज इक्वल टू 25, ये डीबीसी कितने का है भाई 25 का, तो क्या फाइंड करना है एंगल एबीसी। तो स्टूडेंट देखो ये 25 है तो ऊपर वाला भी कितने का होगा 25 का होगा, होगा यानी कि हमारा एंगल एबीसी 25 प्लस 25 कितना होगा 50, यानी कि ये जो एंगल है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो आपको कौन सा एंगल मिल जाएगा एबीसी, क्योंकि बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब ये एंगल के दो इक्वल टुकड़े होंगे, यानी कोई एक टुकड़े का डबल कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा भाई पूरा एंगल। तो बाइसेक्टर के केस में क्या फॉर्मूला रखेंगे, भाई एंगल ए बी सी इज इक्वल टू इसमें से कोई भी एक एंगल का डबल, यानी कि हमारे पास डी बी सी एंगल है तो क्या फॉर्मूला रखेंगे 2 एंगल डी बी सी, तो 2 मल्टीप्लाई 25 इज इक्वल टू हमारा आंसर कितना आएगा स्टूडेंट 50 50 आ जाएगा, डबल कर लो या तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखो ये बाइसेक्टर है ऐसे भी लिख सकते हैं तो भाई ए बी डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एबीसी। अब बाइसेक्टर है ये दोनों एंगल इक्वल मेजर के होंगे, यानी कि एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल डी बी सी, देयरफॉर एंगल ए बी डी इज इक्वल टू कितना होगा 25। चलो ए बी डी भी हमें कितने का मिल गया 25। चलो हम एबीसी फाइंड करें, जैसे लिख सकते अभी हमने फॉर्मूला लिखा था तो भाई एंगल एबीडी इज इक्वल टू ये दो एंगल का प्लस एंगल एबीसी प्लस सॉरी एंगल एबीडी प्लस एंगल डीबीसी इज इक्वल टू 25 प्लस 25,
इज इक्वल टू कितना होगा 50, 50 आ गया है। दोनों में से कोई भी मेथड आपको जो अच्छी लगे वो मेथड करनी, समझ गए, दोनों मेथड करके रखो, दोनों में से जो भी अच्छी लगे वो मेथड आपको पेपर के अंदर एग्जाम के अंदर करनी। चलो हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जाए, 28 नंबर के अंदर कभी बीडीई एंगल एबीसी एंड एंगल एबीडी फॉर्म अ लीनियर पेयर, लीनियर पेयर वाला आया है बिटवीन में, आ गया लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का मतलब क्या होगा स्टूडेंट, दोनों एंगल का प्लस कितना होगा 180 होगा कि नहीं होगा। चलो फिगर बनाए, कैसे बनेगी, एंगल एबीसी एंड एंगल एबीडी दोनों में एबी कॉमन है, कौन कॉमन है पहले कॉमन देख लो, एबीसी एंगल है, दूसरा कौन सा है भाई एबीडी, तो चलो यहाँ पर ए बी, चलो ए बी रख लिया, दो एंगल में ए बी कॉमन है दोनों में आता है, चलो यहाँ पर सी रख लिए, यहाँ पर डी रख लिए, दो एंगल बन गए ए बी सी ए बी डी, दोनों लीनियर पेयर हो गए। इफ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 110 तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड एंगल ए बी डी, ये वाला फाइंड करना है। कल मैंने आपको लीनियर पेयर वाले सम कराए थे स्टूडेंट, भाई लीनियर पेयर के एंगल कैसे होते हैं भाई, सप्लीमेंट्री होते, कैसे होते हैं भाई, ये दोनों एंगल का प्लस कितना होगा 180, तो रखो फॉर्मूला क्या रखेंगे, एंगल ए बी सी, चलो पहले स्टेटमेंट लिखते हैं वरना आपके एग्जामिनर को बुरा लग जाएगा, समझ गए ना, सब मेरे जैसे नहीं होते। चलो पहले क्या लिखेंगे, ये एंगल सप्लीमेंट्री होते, तो क्या लिखेंगे कभी लीनियर पेयर ऑफ एंगल आर सप्लीमेंट, यानी कि आपकी इंप्रेशन अच्छी पड़ेगी, कभी लीनियर पेयर ऑफ एंगल कैसे होते हैं स्टूडेंट, सप्लीमेंट्री होते, यानी कि दोनों का प्लस, यानी कि एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 180। चलो ए बी सी कितने का है 110 प्लस एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 180, इसको सामने ले जाओ, देयरफॉर एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 180 माइनस 110 देयरफॉर एंगल ए बी डी इज इक्वल टू कितना आंसर आएगा स्टूडेंट 70 आएगा, कर पाओगे ऐसे कि नहीं कर पाओगे। चलो हो गया स्टूडेंट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर चाहे हम लोग 29 के अंदर, चलो 29 नंबर के लिए फिगर बनाएंगे, तो भाई पॉइंट डी लाइज इन द इंटीरियर ऑफ एंगल एबीसी, चलो फिगर बनाए, तो भाई पॉइंट डी लाइज इन द इंटीरियर ऑफ एंगल एबीसी, चलो एक एंगल एबीसी बनाओ, पॉइंट डी इंटीरियर में यानी सीधा रेडी बनाओ, चलो बना दिया पॉइंट इंटीरियर में हो गया, भाई एंगल एबीडी रेशियो एंगल डीबीसी इज इक्वल टू 2:5, देखो यहां पर साइड में लिखते हैं एंगल एबीडी द रेशियो एंगल डीबीसी इज इक्वल टू 2:5,
इसका मतलब क्या बनेगा, एक्स लगा दे एंगल ए बी डी इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई 2x, एंगल बी ई सी इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई 5x, और इधर शो कर देते ए बी डी कितने का होगा 2x और ए बी बी सी कितने का होगा 5x। अब हमारे पास क्या है भाई, ईफ एंगल एबीसी एबीसी ये पूरा एंगल कितने का है भाई 84, तो फाइंड क्या कर रहे हैं हम लोगों को, ये दोनों एंगल फाइंड करने। तो स्टूडेंट हमें पता है तो भाई एंगल एबीसी का फॉर्मूला क्या बनेगा, ये दोनों एंगल का प्लस करेंगे तो हमें होल एंगल एबीसी मिलेगा। तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, तो भाई देखो एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी इज इक्वल टू, ये दोनों एंगल का प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा एंगल ए बी सी। हम लोग फॉर्मूला उल्टा रखते इसलिए हमें एक्स की वैल्यू मिल जाए, बराबर है। क्या लिखे एबीसी, अभी तक हमने क्या रखा है एबीसी इज इक्वल टू एबीडी प्लस डीबीसी, बट अब उल्टा फॉर्मूला रखते हैं क्योंकि ये एक्स के फॉर्म में, चलो ये दोनों की वैल्यू रखते हैं, टू एक्स प्लस 5x इज इक्वल टू एंगल एबीसी का मेजरमेंट आपके पास है कितना है भाई 84, तो भाई 7x इज इक्वल टू 84, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई 84 अपॉन 7, 84 को 7 से डिवाइड कर दो एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा भाई 12 आ गया। और इसके ऊपर से दोनों एंगल फाइंड कर दो, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 2x, तो 2 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 24, दूसरा एंगल एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 60 हो गया। ऐसे भी पेपर में सब आ सकते हैं। चलो ये पूरा कर लो तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में सोचते हैं। चलो हो गया स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, पॉइंट एक्स लाइज इन द इंटीरियर ऑफ एंगल एबीसी, चलो एंगल एबीसी बनाओ, इसके इंटीरियर में कौन सा पॉइंट है एक्स, चलो तो रेडियस बनाओ, रेडियस बना लो यानी उसके ऊपर कौन सा पॉइंट आ गया सॉरी एक्स पॉइंट। अब पॉइंट एक्स लाइज इन द इंटीरियर ऑफ एंगल एबीसी इफ एंगल एबीएक्स ये ऊपर वाला एंगल कितने का है भाई 37 एंड एंगल एबीसी ये पूरा एंगल एबीसी पूरा एंगल कितने का है 78, तो आपको क्या फाइंड करना है भाई, फाइंड एंगल सीबीएक्स यानी कि क्या करना है भाई ये सीबीएक्स फाइंड करना है, कर पाएंगे अभी हमने सम किए। चलो फॉर्मूला किसका रखेंगे ए बी सी का रखेंगे, रखेंगे क्या रखेंगे एंगल ए बी सी इज इक्वल टू ये दो एंगल का प्लस होगा, क्या लिखेंगे एंगल ए बी एक्स प्लस ये नीचे वाला एंगल एक्स बी सी। चलो ये ए बी सी कितने का है भाई पूरा एंगल आपके पास है 78 इज इक्वल टू ए बी एक्स कितने का है भाई 37 प्लस एंगल एक्स बी सी, चलो 37 को इधर लेकर आए तो 78 माइनस 37 इज इक्वल टू एंगल एक्स बी सी दोनों का माइनस करो तो एंगल एक्स बी सी इज इक्वल टू 8 में से 7 गया 1, 7 में से 3 गया
फोर, 41 आएगा कि नहीं आएगा? हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाए। 31 नंबर, चलो 31 नंबर का क्वेश्चन क्या है भाई? रे बी एक्स बाइसेक्ट एंगल ईबीसी, एंगल ईबीसी को, चलो एंगल ईबीसी उसको बाइसेक्ट कौन करता है भाई? रे बी एक्स। चलो यहां से क्या बनाएंगे? ये रे बी एक्स बनाएंगे। चलो बनाए बाइसेक करता है, इफ एंगल ई बी एक्स इज इक्वल टू 37। अब ये बाइसेक्टर वाला सम सिखाया स्टूडेंट आप लोगों को, फाइंड एंगल एक्स बी सी फाइंड करना है, दूसरा ई बी सी फाइंड करना। अब ये बाइसेक्टर वाला कराया, दो मेथड से कराया था। चलो ये 37 एक्स बी सी आपको फाइंड करना है तो कितने का आएगा? 37 का। बट उसके लिए क्या लिखेंगे कभी? रे बी एक्स ऐसे लिखेंगे, रे बी एक्स इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल एबीसी। किसका बाइसेक्टर है? हमारे पूरे एंगल एबीसी का बाइसेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों एंगल इक्वल मेजर के होंगे, देयरफॉर क्या लिखेंगे? एंगल ए बी एक्स इज इक्वल टू एंगल एक्स बी सी। ए बी एक्स आपका 37 है तो देयरफॉर एंगल एक्स बी सी इज इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट? 37। चलो हो गया। अभी आपको एबीसी भी फाइंड करना है तो क्या लिखेंगे? एंगल एबीसी। आपके पास दो मेथड है, ये एंगल को डबल कर दो तो भी मिल जाएगा, या तो ये दोनों एंगल का प्लस और आपको जो भी अच्छा लगे। तो क्या लिखेंगे? इज इक्वल टू एंगल ए बी एक्स प्लस एंगल एक्स बी सी इज इक्वल टू 37 प्लस 37 इज इक्वल टू 74। या तो ऐसे भी लिख सकते हो तो भाई एंगल ए बी सी इज इक्वल टू, आपके पास ये दो एंगल है, दोनों में से किसी एक को डबल कर दो, बाइसेक्टर हो ये दोनों में से किसी एक एंगल को डबल कर देते तो एंगल ए बी एक्स, तो 2 × 37 इज इक्वल टू 74। दोनों में से कोई भी मेथड करो, कोई एक ही कर रहे हैं एग्जाम में, दोनों नहीं कर रहे, बट आपका सर अगर कंफ्यूज हो गया तो चौकड़ी मार के 0 मार्क दे देगा, दोनों में से कोई एक, एनी वन। क्लियर? यानी यहां पर स्टूडेंट हमारे एंगल के जो सम थे वो पूरे हो गए, कभी एंगल के जितने सारे सम थे वो हमारे पूरे हो गए। अब जरा हमें थोड़ी ट्राइंगल की थियरी देखनी पड़ेगी, ये पूरा करो। चलो पूरा हो गया स्टूडेंट, अभी थियरी वाले पेज के ऊपर जाएंगे, बराबर है? मैंने आपको थोड़ी थियरी चलाई थी और बोला था बहुत सारी थियरी है वो देखने की है। अब एंगल के सम पूरे हो गए, अब थोड़ा आगे बढ़े। चलो पहले देखेंगे पैरेलल लाइन की डेफिनेशन। पैरेलल लाइन किसको बोलेंगे? तो भाई पैरेलल लाइन आपकी नोटबुक के अंदर बहुत सारी लाइन बनी हुई है, ऐसे नोटबुक है आप 100 पेज कंप्लीटली ज्वाइन कर दो, आपकी जो लाइनें हैं
वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती नहीं। तो भाई आपका जो नोटबुक है सारे पेज निकाल दो और सभी पेज को लाइन कनेक्ट करके ज्वाइन कर दो सेलो टेप की मदद से या तो फेल पिक से। सारी लाइनें कभी भी एक दूसरे को टच करती नहीं है, इंटरसेक्ट करती नहीं। तो ये जो लाइन से इनको क्या बोलती है भाई, पैरेलल लाइन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन की डेफिनेशन है इफ टू लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर देन दे आर कॉल्ड पैरेलल लाइन। इफ टू लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर देन दे आर कॉल्ड पैरेलल लाइन। यानी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो ऐसी जो लाइन से इनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, पैरेलल लाइन बोलते हैं। याद रहेगी कि भाई सपोज डेफिनेशन कौन सी है पैरेलल लाइन की, तो भाई इफ टू लाइन डज नॉट, इफ टू लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर देन दे आर कॉल्ड पैरेलल लाइन। लाइक स्टूडेंट एक लाइन एल है दूसरी लाइन एम है, समझो आपकी नोटबुक की लाइन है, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते नहीं, तो दोनों लाइन को क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन। और इनको सिंबल में लिखना हो तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट, एल पैरेलल एम। ये पैरेलल का सिंबल, इसका सिंबल है पैरेलल का, एल पैरेलल एम। क्लियर, दो खड़े खंभे आए तो मतलब समझते हैं वो पैरेलल का सिंबल है, इसका सिंबल है पैरेलल का सिंबल। चलो इसके बाद में आप सेवन में क्वेश्चन पढ़ चुके हो ट्रांसवर्सल वाला, वो भी अभी पढ़ना है। तो भाई ट्रांसवर्सल किसको बोलेंगे, स्टूडेंट सपोज ये आपकी दो पैरेलल लाइन है और ये पैरेलल लाइन को एक लाइन दो अलग अलग पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है। तो भाई सपोज स्टूडेंट ये दो पैरेलल लाइन है एल और ये दूसरी एम पैरेलल लाइन, बराबर है, और ये दोनों पैरेलल लाइन को ये लाइन टी दो अलग अलग पॉइंट में इंटरसेक्ट करते। देखो एल को यहां पर इंटरसेक्ट करती है, एम को यहां पर इंटरसेक्ट करती है, तो ये जो टी लाइन है वो टी लाइन को हम लोग एल और एम की क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल। कि भाई अगर कोई लाइन दो पैरेलल लाइन को दो अलग अलग पॉइंट में इंटरसेक्ट करती हो, अगर कोई लाइन दो पैरेलल लाइन को दो अलग अलग पॉइंट में इंटरसेक्ट करती हो तो वो लाइन को क्या बोलते हैं भाई, ट्रांसवर्सल। यानी कि इक्वल लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन इन अ टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन इन अ टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल टू टू पैरेलल लाइन। यानी कि अगर कोई लाइन दो पैरेलल लाइन को दो डिफरेंट पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है, यानी कि डेफिनेशन कौन से, अ लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन इन अ टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग पॉइंट। यानी लाइन, अ लाइन इंटरसेक्ट, अ लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन इन अ टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, इज कॉल्ड पैरेलल लाइन, इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। यानी अगर कोई लाइन दो पैरेलल लाइन को दो डिफरेंट पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है, अगर कोई लाइन
दो पैरेलल लाइन को दो डिफरेंट पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है तो वो लाइन को क्या बोलेंगे स्टूडेंट? ट्रांसवर्सल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल। अब जब स्टूडेंट ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो टोटल 8 एंगल बनते। कितने एंगल बनते हैं भाई? 8 एंगल। देखो फिगर में ध्यान रखो कब है जब ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करेगी तो टोटल कितने एंगल बनेंगे? 8 एंगल। कब है? हाउ मेनी एंगल आर फॉर्मड व्हेन ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन। बड़ अच्छे से सुनना, करे जो मैंने बोला वो लिख भी देना। कब है? हाउ मेनी एंगल आर फॉर्मड व्हेन ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन। कभी जब ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करेगी तो स्टूडेंट टोटल कितने एंगल बनेंगे? 8 एंगल। कितने बनेंगे? 8 एंगल बनेंगे। अच्छे से समझ लो, यहाँ पर कितने एंगल बने? 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी जब ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करेगी तो टोटल नंबर ऑफ एंगल कितने बनेंगे? 8 एंगल। और स्टूडेंट इसमें अलग अलग टाइप के एंगल बनेंगे, ऑल्टरनेट एंगल बनेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे। फर्स्ट कौन से? ऑल्टरनेट एंगल, फिर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, फिर इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ऐसे डिफरेंट टाइप के एंगल बनेंगे, बराबर है स्टूडेंट? तो भाई जब ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करेगी तो टोटल नंबर ऑफ एंगल कितने बनेंगे? 8 एंगल बनेंगे। कितने बनेंगे स्टूडेंट? 8 एंगल। वो 8 एंगल कैसे बनेंगे वो कल के वीडियो के अंदर हम लोग विद थियरी समझेंगे, क्योंकि अभी मजा नहीं आएगा क्योंकि लेंथी हो जाएगा। आज का वीडियो इतना ही रखना है, कल के वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कैसे 8 एंगल बनते हैं, कौन से एंगल ऑल्टरनेट एंगल है, कौन से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, कौन से इंटीरियर एंगल है, क्योंकि वो आपको आने चाहिए। वो नहीं आएंगे तो फिर क्या होगा भाई? जो थ्योरम इसके पेपर में आते हैं कंपलसरी वो आप प्रूव नहीं कर पाओगे। क्लियर स्टूडेंट? आज के वीडियो में इतना रखते हैं, आगे का कल हम लोग देखेंगे। गुड बाय स्टूडेंट।